नमस्कार, मैं हूँ आयुषी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल आयुषी वुमन एम्पावरमेंट में। चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बेसिकली आज है मेरा ऑफ डे और मैं जा रही हूँ घूमने और साथ में ले चल रही हूँ आपको। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो है, क्या दिख रहा है आपको? यस, आज हम जा रहे हैं कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर, जिसकी ओवरऑल रेटिंग गई है 4.3। मीन्स बहुत ही अच्छी जगह होगी ये, मैंने भी नहीं देखी है। मैं भी जा रही हूँ देखने, साथ में आपको भी लेके जा रही हूँ। तो आपको अगर जानवर बहुत पसंद है, आपको जू बहुत पसंद है, तो आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चलिए मेरे साथ। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, विजयनगर है ये, और विजयनगर पे जो आइबस का स्टॉप बना है उसके पास जो मंदिर है उसका क्लिक मैंने लिया है। बहुत ही अच्छा मंदिर है और अक्सर वहाँ पे पूजा होती रहती है। इसके बाद अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली जू पर, और ये बहुत ही अच्छा है। जस्ट अभी हम एंट्री कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको व्यू इसका दिखा दूँ। जो मौसम है ये एक नंबर हो रहा था। जब हम निकले थे घर से तब बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी और पूरा जो बादल थे वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे थे। आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली इसका नाम कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है, ये इंदौर में लोकेटेड है और बहुत ही अच्छा है। बहुत मज़ा आया, पूरा व्लॉग अंत तक देखें। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ऐसे बहुत सारे शेर बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। दैट वॉज स्टैचू, शेर एक्चुअल में नहीं बैठा था। और बस अब हम एंट्री करने वाले हैं तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। बहुत ही प्यारा लुक था और सच में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा व्लॉग है जिसमें मैं आपको वॉइस ओवर ना देखकर एक साइलेंट सा म्यूज़िक इसमें ऐड कर दूँ तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं कर रही हूँ इसमें म्यूज़िक को ऐड, और आप करिए वीडियो को एंजॉय। जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ पर मैं आपको मिलती हूँ। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप यहाँ पर आएंगे आपका कोविड टेस्ट होगा, तो बी अवेयर ऑफ डैट। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, टेस्ट हुआ है, कोई सिम्टम तो नहीं है, होप कुछ भी ना निकले, तो आपको इस फेज से तो गुजरना होगा। और बस अब हम एंट्री कर चुके हैं और आप बस आप बने रहिए व्लॉग में। मैंने एक एक चीज़ को शूट की है, आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं।
देख लो सर। हाँ क्यूट लग रहा है ना।
तो फाइनली अब हम बाहर निकल रहे हैं। हमको पूरे 3 घंटे लगे पूरा का पूरा जू विजिट करने में। बहुत ही अच्छी प्लेस है, आप यहाँ पे बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्लस पॉकेट फ्रेंडली है। इसका जो टिकट्स है वो 20 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ का है 1 पर्सन की। और जो फूड आइटम्स है वो जो आपको नॉर्मल चौपाटी में मिल जाते हैं उस रेट पे अवेलेबल हैं। तो आप आराम से घूम भी सकते हैं, आराम से अपना स्टमक भी फिल कर सकते हैं, आप अपनी हंगर भी भुला सकते हैं। और इन्वायरमेंट तो इतना अच्छा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा 3 घंटे कैसे कंप्लीट हो जाएंगे। और बस हमारा ये व्लॉग आज का कंप्लीट होता है। ये मैंने आईबस का रिकॉर्ड किया। क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि इसमें कैमरा लगा रहता है जो कि पूरी की पूरी बस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ मुझे लगा इंदौर में, तो मैंने सोचा आपको भी बताना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दें। और देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचाने के।